ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के तो आप लोगों को समझ ही गया रहेगा कि आज के ब्लॉग में मैं क्या बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे को डीएम किया था कि भाई हम भी मोटर ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कैसे स्टार्ट करें समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो तो बनाना ही चाहिए। तो ये रही वीडियो, इस वीडियो में मैंने सब वो पॉइंट बताया जो एक मोटर ब्लॉगर को पता होना चाहिए और उसको मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में ईजी होगा। तो बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ही बात, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बस चलो वीडियो स्टार्ट करते। सो मोटो ब्लॉगिंग के लिए सबसे मेन पहले पॉइंट आता है वो है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तो सेटअप में आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक एक्शन कैमरा, एक माइक और एक गोप्रो हेलमेट पे माउंट करने के लिए माउंट्स वगैरह चाहिए रहेंगे। और कैमरे के लिए मैं आपको बताऊँ तो मार्केट में बहुत सारे चीप प्राइस में भी एक्शन कैमरा अवेलेबल है, तो आप लोग उनके लिए भी जा सकते हो। या आपको क्वालिटी कंटेंट देना है तो आप गोप्रो के लिए जा सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली गोप्रो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी तो आप सभी को पता ही है कि गोप्रो एक्शन कैमरा में गोप्रो सबसे बाप है। तो और फिर भी अगर आपको चीप प्राइस में जाना है तो एसजे कैम हो गया, ईकेन हो गया, ये सब भी एक्शन कैमरा बनाते हैं, तो वो थोड़े 10,000 के अंदर तक आप लोगों को एक्शन कैमरा मिल जाएंगे। सो आप लोगों को अगर एक स्टार्टअप के लिए चाहिए तो आप लोग वो एसजे कैम हो गया या ईकेन हो गया उसके लिए भी आप जा सकते हो, क्योंकि वो आपके प्राइस के अंदर आएंगे बहुत, और गोप्रो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, गोप्रो का इक्विपमेंट भी सब कॉस्टली है। इसके लिए अगर आप स्टार्ट के लिए चाहिए तो आप एसजे कैम वगैरह के लिए जा सकते हो। उसके बाद आप लोगों को चाहिए रहेगा एक माइक, एक अच्छा माइक, कम से कम माइक लेने जाओगे तो आप 150 से स्टार्ट है माइक लेने के लिए। और मैं तो बोलूँगा माइक अच्छा ही लो, क्योंकि माइक में आप जो बोलोगे उतना क्वालिटी से, मतलब क्लियरली पब्लिक को सुनने आएगा तो पब्लिक आपका ब्लॉग सुनेगी, अदरवाइज अगर सिर्फ विंड नॉइस वगैरह वो सब आएगा तो आप लोग पब्लिक इतना इंटरेस्ट लेगी नहीं देखने के लिए। मेरा भी पर्सनली पहले वही प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मेरे को माइक नहीं मिला एक अच्छा खासा, तो पहले मेरे में बहुत विंड ब्लास्ट वो सब का आवाज़ आता था, मगर अभी उतना है नहीं, क्योंकि मैंने माइक चेंज किया, बाद में अडेप्टर वगैरह लिया, तो मेरा हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। और उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक माउंट, जे माउंट आता है हेलमेट पर अटैच करने के लिए एक्शन कैमरा, तो वो हमें लेना पड़ता है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए। ये तीन चीज़ों से हमारा पूरा सेटअप तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं सिर्फ एक मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर कैसे मोटो ब्लॉगिंग का हेलमेट वो सब कैसे माउंट करना है, कैसा सेटअप करना है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर वीडियो चाहिए रहेगा तो। और बस सेटअप के लिए इतने ही ये सब चीज़ चाहिए रहती है। और अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हुए अभी आता है हमारा पॉइंट टॉक टू कैमरा, मतलब हमें कैमरे में क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं। फर्स्ट थिंग, हम लोगों को जब मोटो ब्लॉगिंग करते हैं वी हैव टू बी वेरी प्रेजेंट यू, मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ें हो रही है हमें वो कैमरे में बोलना है, हमें आसपास हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि हम मोटो ब्लॉगिंग करते वक्त क्या क्या हमारे आजू बाजू में हो रहा है वो सब हमें कैमरे में बताना है पब्लिक को। तो ये मेन थिंग है कि आपको बहुत प्रेजेंट ही होना है और आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले, जो आप जो बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि पहले मैंने भी फेस किया है कि हम ज़्यादा बोलने आता ही नहीं, हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या बोलो अभी कैमरे में, मोटो ब्लॉगिंग में क्या क्या बताऊँ, मेरे आजू बाजू में कुछ थोड़ा बहुत बोल लिया, नेचर ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा फिर से स्टॉप हो जाते हैं। तो हमें कॉन्फिडेंसली बोलना है, हमें आजू बाजू को ऑब्जर्व करना है कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तो हर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बार बार थोड़ा पहले कोई वीडियो पोस्ट करने के पहले आप थोड़ा मोटो ब्लॉग करो, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो कि हाँ भाई मैं बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, अगर नहीं बोल पा रहा हूँ तो मेरे को और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ना, तो आप अपने आप मोटो ब्लॉगिंग में आप आजू बाजू का सब बोल लोगे, आप फिर पब्लिक को भी एंगेज रखोगे आपकी वीडियो में कि हाँ ये सब हो रहा है, पब्लिक भी सोचेगी अरे नहीं ये टॉकेटिव है थोड़ा, ये बताता है वीडियो में ये सब इधर का हो गया ऐसा। तो ये सेकेंड पॉइंट हमारा कि टॉक टू कैमरा, एक बार हमको कैमरे में बोलना आ गया तो बस ये मेन सबसे मेन चीज़ ये है कि हमको कैमरे में बोलना आना चाहिए। ये सबको सब लोग ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि वो सब ले लेते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप ले लेते सब कर लेते, बट कैमरे में क्या बोले ये उनको समझ नहीं आता। तो ये पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लेना है, क्योंकि ये पॉइंट आपका चैनल पूरा ग्रो कर सकता है। क्योंकि बस मोटो ब्लॉगिंग मतलब ये नहीं होगा कि आप कैमरा लगा दो और आगे का सब दिख रहा है, आपको बोलना भी है उसके अंदर, आपको पब्लिक को एंगेज रखना है आपकी वीडियो में, तो पब्लिक आपके चैनल में इंटरेस्ट लेगी और आपका चैनल ग्रो करेगा। तो यही था हमारा सेकेंड पॉइंट, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो अभी आता है थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट है फाइंड राइट कंटेंट। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें हमारे चैनल पे क्या सर्व करना है पब्लिक को, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग में भी आप अगर देखोगे तो मोटो ब्लॉगिंग में भी अलग अलग टॉपिक आते हैं, जैसे कि आप रोड ऑब्जर्वेशन की वीडियो बना सकते हो, बाद में रोड सेफ्टी के बना सकते हो, ये काइंड ऑफ दोनों सेम ही हो गया, बट ठीक है फिर भी आप मोटो ब्लॉगिंग में आप ट्रैवल ब्लॉग्स बना सकते हो, आप बाइक रिव्यू वीडियो बना सकते हो, आप अभी ड्रैग रेस के ऊपर वीडियो बना सकते हो। अभी मैं पर्सनली आप मेरे चैनल पर जाओगे तो देखोगे मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ,
मैं जो ब्रेकफास्ट राइड पे जाता हूँ वो बनाता हूँ, और मैं सुपर बाइक्स में आप देखोगे मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा ब्लॉग मेरे सुपर बाइक्स के होंगे, क्योंकि मेरे को खुद को सुपर बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑब्वियसली सबको पसंद है सुपर बाइक्स, बट मेरे को सबसे ज़्यादा सुपर बाइक्स पसंद है, इसलिए मैं सुपर बाइक्स के ऊपर रिव्यू वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे पास आप देखोगे चैनल पर जाके तो बहुत सारे सुपर बाइक्स के ब्लॉग मिलेगा, और फ्यूचर में भी और आते रहेंगे, क्योंकि ये कंटेंट तो ये मेरा टॉपिक है कि मैं सुपर बाइक्स तो लाने वाला हूँ मेरे चैनल में, तो वो तो आते रहेंगे। वैसे आप लोगों को भी डिसाइड करना है कि आप लोगों को आपके चैनल पर क्या लेके आना है, आपको सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने हैं, आपको सिर्फ ड्रैग रेस बनाने हैं, आपको ऑब्जर्वेशन वीडियो बनाना है, वो सबका पर्सनल चॉइस हो जाएगा ये आपको क्या बनाना है। बट एक कंटेंट आप पहले फिक्स करो कि मुझे ये टॉपिक पे वीडियो बनाना है, उसके बाद आप वो वीडियो बनाना स्टार्ट करो। तो जैसे एक बार आपका इमेज बन जाएगा चैनल का कि हाँ ये अगर ये मेरे को समझो मेरे को ट्रैवल ब्लॉग्स देखने हैं तो हाँ भाई पब्लिक सोचती है यार इसका एक चैनल है, उसके बाद सब ट्रैवल ब्लॉग्स मिलते हैं, ये ट्रैवल करता है बंदा, तो वो उधर आके देखेगी। तो एक पहले आप एक मतलब टॉपिक डिसाइड करो, फिर उसके बाद कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट करो। तो यही था ये पॉइंट में कि फाइंड राइट कॉन्टेंट, बस आपको आपका कॉन्टेंट पहले डिसाइड करने का मैं कौन सा कॉन्टेंट दूंगा पब्लिक को, और तो ब्लॉग्स बनाना है। तो यही था तीसरा पॉइंट। अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की ओर जो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो अभी हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की ओर, फोर्थ पॉइंट जो हमारा है एडिटिंग। तो आप मोटो ब्लॉगिंग करो या कोई भी यूट्यूबर बनना चाहो, आपको एडिटिंग आना ही चाहिए, आपको सीखना ही पड़ेगी, क्योंकि आप अगर किसी और पर डिपेंड है, कोई एडिटिंग आपकी कोई और करके दे रहा है तो आप डिपेंड होगे किसी और पर, और आपके चैनल पे रेगुलर कंटेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप किसी कोई और आपको एडिटिंग करके देगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप खुद अपनी एडिटिंग सीखो। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप अगर सीख गए तो आगे आके आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो आपको डिले होगा। डिले होगा तो आपको पब्लिक आपके चैनल पर कंटिन्यूस नहीं रहेगी, क्योंकि पब्लिक को मालूम भी नहीं रहेगा आप कब वीडियो डालोगे कब नहीं। तो नॉर्मली आप अगर खुद एडिटिंग सीख रहे हो तो आप रेगुलर वीडियो डाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना सकते हो, अपने आप को आप मतलब इम्प्रूव कर सकते हो, आप उसके अंदर सिनेमैटिक्स सीख सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो एडिटिंग के लिए। तो और मार्केट में वैसे भी बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि विंडो मूवी मेकर हो गया, फाइनल कट हो गया बाद में, और शॉर्ट कट हो गया, बाद में प्रीमियर प्रो हो गया। प्रीमियर प्रो थोड़ा एडवांस लेवल पर आता है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग अच्छे से कर सकते हो। नॉर्मल तो भी चलो आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, बट प्रीमियर प्रो में आप सिनेमैटिक्स वगैरह हो गया, मूवी मेकिंग सब कर सकते हो। तो मैं पर्सनली खुद मैं भी प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ जो एडोबी की तरफ से आता है। इसके लिए मेरे को तो मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे को सीखने का टाइम भी बहुत गया, बट हाँ वो बेस्ट चीज़ है आपको एडिटिंग के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि एडिटिंग पर ध्यान दो, क्योंकि एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके वर्स्ट वीडियो को भी बेस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकती है और बेस्ट को वर्स्ट में कर सकती है। इसके लिए आपको एडिटिंग तो सीखना पड़ेगी। सो यही चार टॉपिक थे जो एक यूट्यूबर के लिए हो गए या फिर मोटो ब्लॉगर के लिए हो गए, ये चार टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको इक्विपमेंट हो गया, कैमरा फेसिंग हो गया, बाद में राइट कॉन्टेंट हो गया, और एडिटिंग, ये चार टॉपिक सबको आने चाहिए। तो यही थी वीडियो, दैट सेट आपको मोटो ब्लॉगिंग के लिए ये चार चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और सब ईजी है, आप करने के लिए स्टार्ट तो करो फिर सब अपने आप हो जाएगा। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में बस यही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स इट, दिस इज शेबा साइनिंग ऑफ।